भोजपुरी इंडस्ट्री में जो काम खेसारी, पवन और निरहुआ नहीं कर पाए वो रितेश पांडे ने कर दिया। जी हाँ, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि रितेश पांडे का अभी हाल ही में गाया हुआ गाना हेलो कौन सोशल मीडिया पर तहलका मचाया हुआ है और इस गाने के व्यूज में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। इतने नहीं, अब रितेश पांडे का पूरी दुनिया भर में डंका बज गया है और रितेश पांडे ने जो रिकॉर्ड बना दिया है उसे शायद ही अब कोई तोड़ पाएगा। जो काम खेसारी, पवन और निरहुआ नहीं कर पाए हैं, यूं कहा जा सकता है कि रितेश पांडे ने वो बड़ा काम करके दिखा दिया है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे, रितेश पांडे के इस खूबसूरत गाने को रिद्धि म्यूजिक वर्ल्ड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया था 9 दिसंबर को और 9 दिसंबर को रिलीज हुए इस गाने ने अब तक 139 मिलियन व्यूज से ज्यादा हासिल कर लिए हैं, जो कि अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। साथ ही ये रिकॉर्ड सिर्फ देश भर में नहीं सीमित है बल्कि ये रिकॉर्ड अब इंटरनेशनल लेवल पर भी जा चुका है। और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि रितेश पांडे ने गर्व से सभी लोगों का सर ऊंचा कर दिया है। एक आंकड़े के मुताबिक बताया गया है कि रितेश पांडे का गाना हेलो कौन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सुनने वाला दूसरा ऐसा गाना है जिस गाने ने एक हफ्ते के भीतर 42 मिलियन से ज्यादा व्यूज हासिल किए हैं और पहले स्थान पर है डांस मंकी जिस गाने ने 43 मिलियन से ज्यादा व्यूज हासिल किए हैं। तो यूं कहा जा सकता है कि रितेश पांडे ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भोजपुरी इंडस्ट्री का मान सम्मान बढ़ाया है और गौरतलब यह है कि इस लिस्ट में किसी भी हिंदी गाने का जिक्र तक नहीं है। तो यूं कहा जा सकता है कि रितेश पांडे ने सबसे बड़ा रिकॉर्ड कायम कर लिया है और ये रिकॉर्ड अब भोजपुरी के जाने माने सुपरस्टार दिनेश लाल यादव, निरहुआ, पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के भी तोड़ना बेहद ही मुश्किल होने वाला है। गाने के बोल और संगीत को लोग काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं और हेलो कौन गाना इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया है कि दिन ब दिन इसके व्यूज में काफी ज्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है। इस गाने में अपनी मधुर आवाज रितेश पांडे के साथ स्नेह उपाध्याय ने दिया है, साथ ही लिरिक्स इस गाने के लिखे हैं आशीष वर्मा ने, जबकि म्यूजिक डायरेक्टर का काम किया है आशीष वर्मा ने ही।